गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम लोग भी बहुत ठीक हैं। सो खैर, और बताएं आप सब लोग कैसे हैं? बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों से अपनी बातें शेयर करेंगे जो कि हम लोग नहीं कर पाए थे इतने दिनों से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हो गई थी, कुछ मैटर्स ऐसे हो गए थे कि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा मशरूफ हो गए थे। इस वजह से हम अपना व्लॉग्स वगैरह या वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहे थे। और वो क्यों नहीं डाल रहे थे, फहीम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं डाल रहे थे। तो काफ़ी लोग के ना कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम से व्लॉग जो है अपडेट नहीं कर रहे हैं और व्लॉग्स डाल नहीं रहे। वो एक्चुअल में ये बैक टू बैक हमारे घर में कई सारी ना अनहोनी हो गई है। अनहोनी इन द सेंस, बहुत लोग जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, बहुत लोगों का इंतकाल हो चुका है। जैसे कि पहले आपको बताया था कि जो मेरी दादी थी वो, उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद दो तीन लोग और हैं जो हमारे खानदान में हैं, मेरे सगे फूफा, मेरे बड़े फूफा जो हैं, रिसेंट उनका भी जो है इंतकाल हुआ है और उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ है। जैसे ही हमने खबर सुनी थी इस चीज़ की, तो जो भी गांव में रह रहे हैं हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ है। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने जो है, ट्रेन तो मिलती नहीं थी, हम अपनी खुद पर्सनल गाड़ी से हम लोग गाँव गए और उनके साथ जो हुआ वो अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। मसला ये था कि मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं रात को, वो लोग ड्रिंक वगैरह करके चलाते हैं, तो उसका भी कुछ बैलेंस बिगड़ गया होगा। देन उसके बाद जो हमारे फूफा जी का जो घर है, फहीम के फूफा जी का, वो हाईवे पे ही है बिल्कुल। सो गाँव में अक्सर लोग होते ना कि लोग घर के बाहर अपने चारपाई पे लेट जाते हैं, यू नो गर्मी कितनी है इस वजह से, तो वो भी उसी कंडीशन में, वो भी वैसे ही कुछ क्लिप्स है, मैंने वहाँ पे क्लिक करी थी, मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा। और ये जो बात है ये है हमारे अमेठी की, यूपी में गाँव में अमेठी के पास एक जगह पड़ती है जो कि ककवा रोड पे पड़ती है, नाम है अटेहा। तो वहाँ पे ये अनहोनी हुई है और इसमें मेरे फूफा की कोई गलती नहीं थी। वो अपने घर के बाहर, जैसे गर्मियों में सब लोग लेटे होते हैं, वो लेटे हुए थे, अचानक से ट्रक ने आके बहुत बड़ा, एक तो साइड में जितने भी घर थे, तीन चार घर, सारे के सारे तहस नहस कर दिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बट उससे बड़ा नुकसान ये चीज़ कि उनकी एट द टाइम डेथ हो गई, और जो डेथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थी। सो अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। एंड उसके बाद फिर अचानक से, शायद आप लोगों को पता हो कि सोनी भाभी की जो अम्मी हैं उनका भी इंतकाल हुआ है। सो इन्हीं सब चीज़ों में इतना ज़्यादा टेंस थे, परेशान थे कि वीडियो का टाइम नहीं मिल रहा था यार। हमने सोचा था कि आप कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था, कि मतलब ये सोचते हैं ना कि वक्त का, मेरा मानना तक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता कि कब क्या मिस हैपनिंग हो जाए आपके साथ। सो मेरे खालू के साथ भी इसी बीच जो है, मेरे खालू के साथ भी हुआ कि उनकी भी डेथ हुई है। सो एक होता है कि एज के बाद जब इंसान की एज हो जाती है तो एक नॉर्मल डेथ होनी, जैसे कि रुखसार की दादी के साथ था। सो उस चीज़ के लिए ऑलरेडी हम प्रिपेयर होते हैं, फैमिली प्रिपेयर होते हैं, चलो ठीक है ऐसा है तो ठीक है, दिल को मना लेते हैं। बट ये जो चीज़ें हुई हैं ना मेरे खालू के साथ, सोनी भाभी की अम्मी के साथ, अल्लाह ने उनको और भी ज़िंदगी दी, अभी आगे भी उनकी ज़िंदगी थी काफ़ी, लेकिन जो चीज़ लिखा था वो चीज़ हुई है। और साथ ही साथ मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा फ़ोन जो है मिसप्लेस हो गया था, और काफ़ी टाइम बाद, मतलब मैंने ट्रैक पे डाल रखा था फ़ोन, तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद फ़ोन मिला अपना। तो इन्हीं सब चीज़ों में यार वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, टेंस थे, परेशान थे काफ़ी। और सोनी भाभी की अम्मी के साथ ये था कि उनका जो वो डायबिटिक थी और उनका डायबिटीज़ इस लेवल तक बढ़ गया था कि उनको सफदरजंग लेके जाना पड़ गया, और सफदरजंग में उनका इलाज चला काफ़ी टाइम तक। और उनको वहाँ से, वैसे तो बोल रहे थे कि उनका एक पैर, उनको अचानक से ना कहीं चोट लग गई थी, एग्जैक्ट नहीं पता वो कहाँ पे लगी थी चोट, उसका ध्यान आंटी को नहीं था इतना, फिर जाके ना वो जो चोट थी वो, उसका घाव इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि वो अंदर अंदर कि वो जख्म बन गया, वो सेप्सिस हो गया था उनके, है ना, हाँ बहुत ज्यादा। तो उसका जो घाव था इतना बढ़ गया कि, तो उसका यही लास्ट ऑप्शन उन्होंने बताया था, जैसे कि भाभी से बात हुई थी, भाभी ने यही लास्ट ऑप्शन बताया था कि डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि उनका सेप्सिस तो नहीं खत्म होने वाला जब तक हम उसका जो पार्ट है वहां तक हम उसको कट नहीं करेंगे। तो ये बात चली थी बीच में, तो देन उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि अभी आप घर पे ले जाओ, मे बी ये दवाइयों से ठीक हो जाए या मतलब स्टेबल रहे, मतलब उनको अपने पास रखा था सफदरजंग में, तो उनको
उनको काफी हद तक रिकवर उन्होंने रिकवर हाँ, किया था एंड फिर उनको घर भेज बस दिया था। जैसे कि बस आप लोगों को भी पता होगा जो डायबिटिक वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको ना अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना होगा, मतलब अगर आपने अपने डाइट को अगर प्रॉपर नहीं ध्यान रखा तो वो शुगर आपका हाई होगा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो वही चीज़ सेम हुई भाभी की मम्मी के साथ भी, तो इस दौरान वो अब हमारे बीच में नहीं है लगा, मतलब रात में करीबन सुबह के 5 बजे रहते हैं जब हाँ, सोनी भाभी का मतलब सिकंदर भाई का फोन आया था मम्मी के पास कि मतलब उनकी सास बता रहे थे कि मेरी सास जो है नहीं रही अब। सडनली एक्चुअली एक दिन पहले ही मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी आप भाभी की मम्मी से मिल के आ जाओ कि मतलब उनके हाल चाल पूछ लो, क्योंकि मम्मी मेरी वजह से नहीं निकल पाती है क्योंकि घर पे अलीजा को देखना होता है, मेरी ड्यूटी होती है। सो मम्मी को भी जाना तभी हो पाता है जब मेरा ऑफ होता है, तो मम्मी चली जाती है मुझसे मिलने के लिए। तो मैं बोल ही रही थी कि मम्मी मेरा नेक्स्ट डे ऑफ है तो आप मुझसे एक बार मिल आना, हाल चाल ले आना। तो जैसे ही मैं नाइट ड्यूटी में थी, फिर मेरे पास कॉल आता है 4:30 बजे कि रुखसार ऐसे ऐसा हो गया है। सो बहुत अफसोस हुआ मुझे इस टाइम पे कि अगर फिर हम लोग भी मैं मम्मी को लेकर स्कूटी से गया हूँ एंड बताया कि उनकी भी जो है डेथ हो गई है। सच में मौत तो कुछ नहीं पता कब आ जाए और किस मोड पे आ जाए। सो सच्चाई है यही चीज़ कि हर किसी को आना है एक ना एक दिन। तो बस यही सब चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व थे और टेंस थे, नहीं समझ में आ रहा था क्या करें क्या ना करें, बट हम लोग हमें डाल रहे थे। हमें आप सब लोगों से गुजारिश है इस चीज़ की कि आप सब लोग हर एक जो अभी दुनिया में नहीं है उनके लिए दुआ करें और उनके हक में दुआ करें, उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, आमीन। सो फोन भी मेरा बीच में मिसप्लेस हो गया जिसकी वजह से पहले तो मेरा मन नहीं लग रहा था काम में एंड रुखसार भी काफी टाइम से कह रही है, आप सब लोग के मैसेजेस भी आ रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था यही सब चीजों में। नहीं मन करता है ना जब आपके साथ लाइफ में ऐसा हो रहा है, एक हैप्पीनेस वाली लाइफ अलग होती है और जब आपको पता है बैक टू बैक आपको पता चल रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, सो आप फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ा वो हो जाता है कि नहीं मन लगता है किसी भी काम करो। सेम वो ही हम लोगों के साथ थी, बट अब नहीं होगा ऐसा। अब हम आगे वीडियोस भी आप लोग साथ लेकर आएंगे और मैं कोशिश करूंगा मैं डेली ब्लॉगिंग करूं और आप सब लोग कमेंट्स देखने के बाद मतलब मैं खुद देख कर इतना था कि लोग कह रहे भाई नहीं लोग कह रहे हैं। और ये चीज है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि लोग हमें चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे ये चीज पूछ रहे थे कुछ हुआ है क्या फहीम भाई या कुछ ऐसी मिसहैपनिंग जो आप नहीं बता रहे, जो ब्लॉग्स नहीं अपलोड कर रहे हो, तो यही जो चीज है यही हुई है हमारे साथ जिसके वजह से हम नहीं कर रहे थे। तो प्लीज जैसे ही आप लोग इतने प्यार से हमें इतने मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप क्यों नहीं ब्लॉग डाल रहे हैं, आपको साथ मतलब सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा इतना ख्याल करते हैं, आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं, ऐसे प्यार और सपोर्ट आप प्लीज हम पे हमेशा बनाए रखना। और बस यही है कि बस आप लोग बस दुआओं में याद रखना। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने हमेशा मैं चाहूँगी कि जितने भी आप लोगों के बड़े मेंबर हो घर में, बुजुर्ग हो, फैमिली मेंबर्स कोई भी हो, एक्स वाई जेड मतलब कोई भी, उनके सामने आप अपनी गलती ना होने पे भी माफ़ी मांगते रहना चाहिए कि कहाँ उनका कहाँ दिल दुखा दे। मैं नहीं जानती कि वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता कि कब कहाँ इंसान हमें छोड़कर चले जाए, मतलब हमारा मतलब ये चाह रहे थे कि हम लोग अपनी वो बताएं जो हमने एक महीने इतना गैप लिया है वो हम आप लोगों को बताएं कि हमने क्यों गैप लिया है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पता हो कि हम लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा ऐसा भी नहीं था कि हमने ब्लॉग नहीं अपलोड मतलब ब्लॉग्स शूट नहीं करे, हमने ईद का ब्लॉग शूट किया था, मम्मी पापा और हमारे का बर्थडे ब्लॉग था, ऐसे 3-4 ब्लॉग्स हमारे पास थे, मैं डालने ही वाला था, बट ये जो चीजें हुई है ना इसके वजह से मन नहीं लगा ना, एडिटिंग में नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब व्लॉग भी शूट किया है बस, हाँ ठीक है हो जाएगा, क्योंकि वो जो हम मेमोरीज रखना चाहते हैं ना उसके लिए हम ये व्लॉग्स वगैरह शूट कर लेते हैं, लेकिन वो हम डाल ही नहीं पाए क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब थे इतने ज्यादा। खैर अब अल्लाह ताला जो भी है, काफी अब तो शायद आप काफी टाइम बाद अलीजा से मिलोगे, अब मोस्टली आप अलीजा के हर व्लॉग में आप अलीजा को देखेंगे माशाल्लाह से, क्योंकि बहुत शैतान हो गई है वो, 8 मंथ की 18 हो जाएगी और काफी शैतान हो गई, काफी ज्यादा चुलबुली हो गई है, तो मजा आएगा काफी ज्यादा व्लॉग्स में। सो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड और जल्दी आप लोगों को ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो चलो ठीक है, बाय-बाय, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। अच्छा ब्लॉग एंड हो गया था, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना भूल गया था, तो हमने क्या है ना कुछ वीडियोस अपने ब्लॉग्स जो अभी पेंडिंग पड़े, अगर आप लोग चाहते हो ईद का ब्लॉग देखना और पापा का और अमायरा का बर्थडे ब्लॉग देखना, सो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसे भी एडिट करके आप लोग से शेयर करूंगा। सो ये भूल गया था बताना आप लोगों से, तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में।